हम चेंज करके मैक्सलिंक का 13.3 इंच पूरा OEM स्टैंडर्ड का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाने वाले हैं। एड ऑन में हम इस पर एक 360 डिग्री कैमरा भी लगाने वाले हैं, जो कि टॉप मॉडल में मिलता है हमें। दूसरा, हम इस पर हर्ट्स का UNO सीरीज का कंपोनेंट स्पीकर्स आगे लगाएंगे एंड UNO सीरीज के सेम टू वे कोएक्सियल स्पीकर्स पीछे रेयर अपना डोर पे लगेगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वाहन डिटेलिंग। आज हमारे पास आई है किया सेल्टॉस। ये HTE IMT बेस वेरिएंट होती है डीजल की, जो कि एक शोरूम प्राइस इसका होता है 11,99,000। अब इस पर जो हम मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेस टू टॉप मॉडल कन्वर्जन होने वाला है, बहुत ही बजट कन्वर्जन होने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा होगा एंड बजट में भी रहेगा। तो इस पर अभी हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर हम सबसे पहला तो इस पर म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है, तो कुछ ऐसा रहता है ये। इसको हम चेंज करके मैक्सलिंक का 13.3 इंच पूरा OEM स्टैंडर्ड का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाने वाले हैं। एड ऑन में हम इस पर एक 360 डिग्री कैमरा भी लगाने वाले हैं, जो कि टॉप मॉडल में मिलता है हमें। दूसरा, हम इस पर हर्ट्स का UNO सीरीज का कंपोनेंट स्पीकर्स आगे लगाएंगे एंड UNO सीरीज के सेम टू वे कोएक्सियल स्पीकर्स पीछे रेयर अपना डोर पे लगेगा। फिर इस पर हम सबवूफर भी लगाने वाले हैं वेक्सट्रॉन का, जो कि मर्ज हो जाता है पूरा आपके, जिस पे आपका बूट स्पेस भी बचेगा एंड सबवूफर भी एड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, हम इस पर मोरेल का डैम्पिंग करने वाले हैं। ये मोरेल के डैम्पिंग शीट्स आते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, ये हम इस पर चारों डोर पे लगाने वाले हैं। इस गाड़ी में जो है फॉग लैम्प नहीं आता है बेस मॉडल में, तो इस पर अभी हम फॉग लैम्प भी अपग्रेड करने वाले हैं। इसका एक OEM फिटिंग्स आता है, ये जो बेस है ये इस पर लग जाएगा पूरा एंड इस पर हम फॉग लैम्प लगाने वाले हैं आइस ऑडियो का, जो कि ब्लू लेंस के साथ आता है अपर डीपर फंक्शन के साथ। ये वाला फॉग लैम्प भी इसमें फिट होने वाला है, प्रोजेक्टर लेंस होता है। इस गाड़ी में हम और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेस मॉडल गाड़ी होती है, इसके स्टीयरिंग में स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल नहीं आते हैं, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। अभी हम इस गाड़ी में आपका स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल को अपडेट करने वाले हैं और फर्दर वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, इसमें जब हम क्रूज कंट्रोल भी करेंगे तब हम आपको इसका वीडियो शो करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल यूज़ करने वाले हैं। ये आपकी हुंडई किया की ओरिजिनल पार्ट है, इसको हम इसमें अपग्रेड करने वाले हैं। ये कुछ बिफोर लुक्स थे गाड़ी के। और एक इंटरेस्टिंग अपग्रेड हम इसमें करने वाले हैं, हम इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर विथ टर्न इंडिकेटर्स इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में आप मैनुअल मिरर्स दिया हुआ है, ये मिरर सभी मैनुअल हैं और इसके जो एडजस्टमेंट हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। 2 स्टेप्स का एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है आपका, तो इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं। इसको अपग्रेड करके हम अभी इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर का आपका जो ORVM का एडजस्टमेंट, मिरर फोल्ड और ऑन ऑफ का स्विच, इस स्विच को हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं और कंप्लीट OEM वायरिंग भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं।
प्रॉपर प्रोफेशनली तरीके से हम इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे। आइए एक बार पूछते हैं इंस्टॉलेशन में क्या वायरिंग का ऑल्टरेशन करना पड़ता है। इसमें कोई वायरिंग का आप ऑल्टरेशन करना पड़ता है कि पूरा प्लग एंड प्ले आप करते हैं? हम लोग का जब स्टीयरिंग का जो स्टीयरिंग माउंटिंग जो करते हैं ना, हाँ, इसका जो वायरिंग है जगह से बेजगह हमको करना पड़ता है। ओके, ये रिमूव करते हैं हम लोग, जगह से रिमूव करके इस होल से अलग होल में डालना पड़ता है। ओके, ऐसे वायर कट कुछ इसमें करते हैं? कोई भी वायर कट नहीं करता है, जगह से बेजगह। अभी जो हम लोग म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें भी कोई भी वायर कट हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा प्लग एंड प्ले कर रहे हैं। तो ये जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ये 5-6 साल का लास्टिंग करता है आपका कि कोई प्रॉब्लम आएगा? और भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लास्टिंग। जैसे आपने प्रोफेशनल टेक्नीशियन से आपने सुना पूरा इंस्टॉलेशन प्लग एंड प्ले रहता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल टेक केयर करके किया जाता है। आइए दिखाते हैं अभी, जैसे कि प्रोसीडिंग्स आपको दिखाते हैं इंस्टॉलेशन का। हमने गाड़ी का आपका म्यूजिक सिस्टम पूरा खोला हुआ है आपका। म्यूजिक सिस्टम की भी जो वायरिंग रहती है वो भी पूरी प्लग एंड प्ले रहती है। देखिए ये पूरा प्लग एंड प्ले है आपका। 360 का भी जो वायरिंग लग रहा है वो भी पूरा प्लग एंड प्ले लग रहा है। FM पिन भी आपका काम करेगा और ये 360 के वायरिंग है। और स्टेयरिंग का हमने अभी एयरबैग और स्टेयरिंग भी खोला हुआ है। पूरे प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। अगर आपके पास में बेस मॉडल आप प्लान कर रहे हैं सेल्टॉस, सोनेट या फिर कैरेंस, पूरी मॉडिफिकेशन की किट हमारे पास अवेलेबल रहती है। एक चीज़ गौर करिएगा, हम भुवनेश्वर में बेस्ड हैं और हमारी सर्विसेज ओनली एंड ओनली सिर्फ भुवनेश्वर में अवेलेबल है। थैंक यू।